एक दिन जैसे मार्केट ओपन होगा तो ऐसे में क्रूड ऑयल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाले हैं, इन लेवल्स को हम आज के वीडियो में आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एंजेवन एप्लीकेशन पे, और एंजेवन एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टार्टर डेफेंडो का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे इंस्टाटेड का ट्रेडिंग विंडो का चार्ट लग जाता है। अब हमें यहाँ पे अपने मार्केट वॉच में क्रूड ऑयल को ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस आइकन आपको देखने को मिल रहा है। इस प्लस आइकन पे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को टाइप करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रूड लिखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे क्रूड ऑयल, हमारे सामने यहाँ पे 19 अप्रैल का क्रूड ऑयल का फीचर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे सामने ये एंजेवन एप्लीकेशन की इंस्टाटेड की मार्केट वॉच में ये ऊपर एड हो चुका है और हमारे सामने इसका चार्ट यहाँ पे लगा है। अब इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम थोड़ा चार्ट को थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं और जो हमने जो कैंडल्स लगाई है इस कैंडल को हम कर देते हैं डेली की, ताकि हमारे सामने जो डेटा है ये क्लियर हो गया है। और हमने यहाँ पे जो एक इंडिकेटर को ड्रॉ करके रखा है, यह एक एएलएम इंडिकेटर है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देने जा रहा है। तो हम यहाँ पे टूल ऑप्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इसके टॉप पे यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर क्रूड ऑयल इस रेजिस्टेंस को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो क्रूड ऑयल में हमें यहाँ से आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये क्रूड ऑयल का जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बना हुआ है, ये लेवल बना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6775 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना है। अब हम इसके यहाँ से टूल ऑप्शन का यूज़ करके इसमें और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आगे क्या रह सकते हैं इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपको यहाँ पे हम कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन को और ड्रॉ करते हैं ताकि इसके जो इंपॉर्टेंट आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो वो हम यहाँ पे दिख जाते हैं। और इसका तो दो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, अब हम यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे भी कुछ यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब आपको सामने यहाँ पे डेटा स्पष्ट हो जाएगा कि हमने यहाँ पे जो लाइनें को ड्रॉ किया है उसके आधार पे देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रूड ऑयल में अगर ये रेजिस्टेंस लेवल होल्ड हो जाता है जो बना है हमारे सामने 6775 का लेवल बना हुआ है, अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो आने वाले समय में क्रूड ऑयल में हमें 6900 से लेके 7100 तक के हमें अपसाइड के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि क्रूड ऑयल ये लेवल होल्ड नहीं करता है 6775 को, तो क्रूड ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और क्रूड ऑयल वापस से जो है ये 6700 से लेके 6650 तक के हमें स्लिप होते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर क्रूड ऑयल 6650 के नीचे स्लिप होता है तो वो ज़्यादा गिरावट हमें इस में देखने को मिल सकती है। फिलहाल में अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 6775 का है, ये लेवल होल्ड होने के बाद हमें क्रूड ऑयल में अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। अगर क्रूड ऑयल को हम इस लेवल के आधार पर बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाय का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर वन लॉट हमें यहाँ पर मैंशन करना है। एक लॉट में क्वान्टिटी आती है 100 बैरल क्वान्टिटीज आती है और यहाँ पर करंट प्राइस के साथ हम इसको लेना चाहते हैं तो इसमें हम बाय बटन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म ऑर्डर पर प्रेस करेंगे। अभी जो मार्केट अभी ऑफ है इससे हमारा ऑर्डर आफ्टर मार्केट लगेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे ऑर्डर को सबमिट करेंगे, हमारा ऑर्डर ये पेंडिंग में चले जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने जो ऑर्डर को लगाया था यहाँ पे हमने जो ऑर्डर लगाया था ये आपको देखने को मिलेगा कि पेंडिंग में गया हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट मार्केट ओपन होगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमें पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान होता है एंजेवन एप्लीकेशन में ऑर्डर को लगाना और यहाँ पे पोजीशन बनाना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा ऐसे ही हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजेवन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपने डिमेट अकाउंट एंजेवन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विसेज का लाभ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।